बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी हेल्थ एंड केयर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको अपनी वीडियो में मछली के तेल के बारे में बता रहे हैं कि वो किस हद तक फ़ायदेमंद है। नंबर एक, दिल को तहफ़ दे। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि मछली के तेल में पाए जाते हैं, अमराज़ कल्ब के मुतादित खतरात को कम करते हैं। ये तेल खून में मौजूद फैट्स की सतह को कम करता है, जबकि खून को जमने से रोकने में भी मदद देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल फालिज से भी तहफ़ दे सकता है। ख़ास तौर पर यह कैप्सूल उन अफराद के लिए फ़ायदेमंद हैं जिन्हें हाल ही में हार्ट अटैक या फालिज का सामना हुआ हो। नंबर दो, कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के तेल का मरकजी जुज है और यह खून में ट्राइग्लिसराइड्स की सतह में कमी लाता है, जो कि जिस्म के लिए फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ाता है। आप हफ्ते में 2 या 3 मरतबा इनका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। नंबर तीन, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद। ओमेगा 3 फैटी एसिड सेहतमंद हड्डियों को बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा ये जिस्म में कैल्शियम के जज्ब होने की मकदार को बढ़ाता है, जिससे हड्डियों की मजबूती और नशोनुमा को फ़रोग मिलता है। नंबर चार, ज़हनी अमराज का इलाज। मछली के तेल का अहम जुज ओमेगा 3 फैटी एसिड सेहतमंद दिमागी अफाल के लिए अहम होता है और ये डिप्रेशन के शिकार अफराद पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। नंबर पाँच, ज़्याबतीस को कंट्रोल में मदद। ओमेगा 3 फैटी एसिड दौरान खून में एक हार्मोन एडिपोनिक्टिन की सतह को बढ़ाते हैं, जो कि ग्लूकोस रेगुलेट करने में मदद देता है। इस हार्मोन की सतह में इजाफा ग्लूकोस टाइप 2 का ख़तरा कम करता है। नंबर 6, जोड़ों के अमराज का ख़तरा कम करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों के दर्द और सुबह उनकी अकड़न की शिकायत में कमी ला सकता है। इसके अलावा ये तवीलुल मायाद बुनियादों पर मौसर साबित हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।